शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया था, जहां तहसील कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गेट के बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद तहसील कार्यालय गेट पर हंगामे की स्थिति बन गई, जहां पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया था, जहां शिवराज सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता तहसील कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गेट के बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद तहसील कार्यालय के गेट पर हंगामे की स्थिति बन गई, जहाँ पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली। देखिए, उद्देश्य तो हल्ला बोल का मतलब सीधा, जो ज्वलंत समस्याएं इस देश और प्रदेश में चल रही हैं, कोरोना के संक्रमण काल के बाद महंगाई अपने चरम पे है, उत्कर्ष पे है, और इसे चरम पे लाने में, उत्कर्ष में लाने में नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा अपराधी है, जिसका कोई दृष्टिकोण नहीं, कोई विजन नहीं। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज चौहान एक बिना विजन वाला मुख्यमंत्री 17 साल से, उसको कल समझ में आई कि अधिकारियों के बारे में आज जो टिप्पणी आई है कि अधिकारी इस काम से सुनते उधर से निकाल देते हैं, तो तुम जैसे कमज़ोर आवाज़ के लोग जो सिर्फ भाषण दे सकते हैं लेकिन IAS IPS के कान में तुम्हारी आवाज़ ठहरती नहीं है, तो आज 17 साल के बाद अब समझ में आई है। हमारा गहना ये है कि GST के दायरे में डीजल पेट्रोल क्यों नहीं लाया जा रहा है। GST के दायरे में जिस दिन डीजल पेट्रोल आ जाएगा, नरेंद्र मोदी और शिवराज चौहान को उनकी औकात पता चल जाएगी कि महंगाई के किस दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है। परिवार खंड खंड हो रहे हैं, परिवार कर्ज में डूबते जा रहे हैं, जिस तरह शिवराज चौहान ने इन 17 सालों में 2,53,000 करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश को डुबाया है, और नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक से 1,23,000 करोड़ रुपए दादागिरी से छीन ले, रिजर्व बैंक के गवर्नर से जाने कितने हजार टन सोना हमारा बेच दिया। GST के दायरे में लाइए, जनता को उसका सुख चैन वापस लौटाइए। आज क्या चीज़ महंगी नहीं है, खाने का तेल, दाल, डीजल, पेट्रोल, गैस, लोहा, सीमेंट, और किसान का भाव आप नहीं बढ़ा रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। उसके नाम पे कृषि कर्मण अवार्ड लेने शिवराज 5-5 बार दिल्ली गया। अरे भैया, तू तो बता दे शिवराज, तूने किसानों के लिए क्या योजना लागू की, उन्हें कर्ज में डुबोता जा रहा है, खाद महंगी होती जा रही है, बीज 1,000 रुपये कुंटल, अभी 10,000 रुपये कुंटल अभी सोयाबीन का बीज। तो आज महंगाई की मार से, कोरोना की मार से इस देश और प्रदेश का आदमी इतना त्रस्त है, उसका साफ कहना है कि बहुत हुई महंगाई की मार, उठा के फेंक दो मोदी सरकार। देखिए, हम तो सड़क पे छाती खोल के निकले हैं। आओ शिवराज, तुम तो नहीं निपट नहीं पा रहे हो, तुम्हारी तो औकात निपटने की नहीं, कांग्रेसियों से तुम्हारे पुलिस को हथियार बना के हमारे आगे कर रहे हो, जो छाती और सीना खुला हुआ, जितना अत्याचार बर्बरता कर सकते हो कर लो, लेकिन 2 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो काल कोठरी में मिलोगे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता ज्ञापन देने तहसील कार्यालय पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, आस्था।